अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही अच्छा सा, रिफ्रेशिंग सा और बहुत ही हेल्दी किस्म का फेस मास्क बनाएंगे जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को बहुत ही जल्दी कम कर देगा। इंशाल्लाह इतना ही अच्छा काम करेगा कि अगर आपकी फेस पे छाइयाँ हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे, कम से कम एक हफ़्ते में 2 दफ़ा लगाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये इतना सिंपल है कि इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। तो जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो आप बीच में डाल रहे हैं वो है दही। तो दही अगर 1 या 2 दिन पुराना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। रेगुलर दही भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि 2 दिन पुरानी जो हो वो ज़्यादा बेहतर काम करती है। और जो उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज़ करेंगे वो है, ये है ऑरेंज पील पाउडर। व्यूअर्स, ये माल्टे के छिलकों का पाउडर मैंने घर में ख़ुद से तैयार किया था। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे तैयार किया था तो लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने सिर्फ फेस पे लगाने के लिए बनाना है तो थोड़ा बनाइए, अगर नेक पे लगाना है, बाजुओं पे लगाना है, पाँव पे लगाना है तो आप ज़्यादा बना लीजिए। मैं थोड़ा ही बनाऊँगी क्योंकि मैंने सिर्फ इसको फेस पे लगाना है। तो ये देखें, खट्टी दही है इसलिए थोड़ी सी पतली भी हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़ा ही बनाऊंगी। तो बस हमने दही डाल ली, अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज पील, यानी कि माल्टे के छिलकों का पाउडर। बस अब इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक क्रीमी सी फॉर्म बन जाएगी इसकी, एक पेस्ट सा बन जाएगा जो कि हमने अपने फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको कम से कम आपने 15 मिनट अपने फेस पे लगा रहने देना है, और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। एक तो ये कि आप बहुत फ्रेश फील करेंगे, और दूसरा ये कि इसके अंदर माल्टे के छिलकों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्किन को लाइट बनाता है और आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी लाइट बनाता है। और दही के अंदर भी इसी तरह लैक्टिक एसिड हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है, ख़ास तौर पे खट्टी दही में, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये एक मैजिकल सी इंग्रेडिएंट, मैजिकल सी मास्क जो है वो आपका तैयार हो गया है। इसको आप कम से कम हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाएं जिनके फेस पे छाइयाँ हैं, तो इंशाल्लाह उनके जो छाइयाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होने लग जाएंगी। अभी व्यूअर्स, ये मास्क मैंने बना दिया तो फ़ौरन से नहीं लगा देना, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। इसको कम से कम 5 या 10 मिनट इसको मतलब रेस्ट करने दीजिए, ताकि जो ऑरेंज पील है उसका जो गुडनेस है, यानी कि जो रस है, जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो विटामिन सी है, वो निकल के आ जाए, दही के अंदर शामिल हो जाए, और फिर आपको वो स्किन पे ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो बस ये इतना सा काम है जो कि आपने करना है, बहुत ही ईजी है। लगाए रखें अपने फेस पे 15 मिनट सिर्फ, और बस वॉश कर दीजिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो व्यूअर्स, आज की यही थी छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।